तो आज हम श्रीमद् भागवतम के नवे दूसरे स्कंद की नवे अध्याय के आठवें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के विषय में बता रहे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है उनका जब जन्म हुआ तो उनको कोई कुछ पता नहीं लगा और वो ढूंढ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ध्वनि सुनी, दो बार तप तप, वो इस ध्वनि कहाँ से आ रहे उनको पता नहीं लगा, खोजने लगे। और फिर उन्होंने सोचा, सब जगह सब दिशाओं में देखने लगे कि कहाँ से कौन ये बोल रहा है, वो समझ में नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा है कि वे जगह पे बैठ जाए और जो बताया गया है ध्वनि के अनुसार वो करे, और वे बैठ गए। तप का अर्थ है तपस्या, तो बैठ गए और उन्होंने इस प्रकार से एक स्थान पर बैठकर हजार वर्ष तक तपस्या की। ये देवताओं के वर्ष या दिव्य वर्ष के, और उनका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे बताया, हमारे मनुष्य वर्षों के तुलना में ये बहुत अधिक अधिक, ऐसे कह सकते हैं दीर्घ काल, बहुत 6 मतलब 6 × 30 × 12 × 1000 ये कैलकुलेशन। तो ब्रह्मा जी ने तप जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने किया, किंतु वे ये नहीं देख पाए कि इनकी इनको कौन उच्चरित कर रहा है, तो वे बैठ गए तपस्या करने के लिए। प्रभा जी बताते हैं ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उन्हें भगवान विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेशों में कोई अंतर नहीं माना। तो उनको भगवान को यहाँ पे बताया गया कि भगवान के विषयक विशुद्ध बुद्धि दृष्टि थी, वो देख नहीं पाए, भगवान को वे देख नहीं पाए, लेकिन उनको ये ज्ञान था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी दृष्टि इस तरह, उन्होंने सही दृष्टि के कारण उन्होंने भगवान तथा भगवान के आदेशों में कोई अंतर नहीं। तब जब उन्होंने ये ध्वनि सुनी तो उन्होंने ये निर्णय पे आए कि ये जो ध्वनि है वे भगवान
आपके सिवाय और कोई नहीं। भले ही भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि ध्वनि, क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के कार्य कलाप जो है वे अभिन्न, कोई भिन्न नहीं है। तो इसीलिए ये ही जो है सही दृष्टि का उपयोग जो ब्रह्मा जी ने यहाँ किया और यहाँ बताया जा रहा कि उन्होंने देखा नहीं, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं है ये जानने के कारण, क्योंकि उनकी वो दृष्टि थी ईश्वर को जानने की। सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरी आदेश को शिरोधारण कर लिया जाए और ब्रह्मा जो हर एक के आदि गुरु है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। तो ब्रह्मा जी उदाहरण है जीते जागते कि भगवान और भगवान की ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तपस्या तब शुरू की जब उन्होंने भगवान का को देखा। भगवान का की ध्वनि को सुनना मतलब भगवान को देखना, क्योंकि हम भगवान को देख सकते हैं ध्वनि के द्वारा। जैसे कि इस भौतिक जगत में ही बहुत चीजें जो है हम सुनते हैं, देखते नहीं, देखने देखा नहीं है, लेकिन सुनने से वो जो है हमें पता लग जाता है। लेकिन ये दिव्य ध्वनि जो है वो हमेशा उसमें पूर्ण शक्ति है जो जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें जो है जब हम भगवान का नामों का उच्चारण करते हैं तो हमें सुनना चाहिए। श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण चीज है, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण। श्रवण करके हम भगवान को देख सकते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है भगवान को देख सकते अगले श्लोकों में। तो ध्वनि को सुन ध्यान पूर्वक हम जो है अगर हम ध्वनि को समझें सुनें तो हम भगवान को देख सकते हैं। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं, वो शक्ति ऐसा नहीं कितना भी तक वो बढ़ता ही जाता, शक्ति बढ़ती जाती, कभी क्षीण नहीं होती। भौतिक ध्वनि कुछ अच्छा सुनते हैं, कोई गाना या कर्मी लोग जो बजाते हैं, थोड़ी बार देर के बाद वो क्षीण हो जाता है। कोई कुछ नया इंटरेस्ट सुन सुन के वो कोई उसमें कोई आनंद नहीं, कोई रस नहीं। लेकिन भगवान की ध्वनि में शक्ति इतनी है कि वे जो है कभी भी क्षीण नहीं।
क्योंकि यहाँ पे बताया गया क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे जो ब्रह्मा के जीवन से, इसीलिए यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते कि उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। तो ये हमारे लिए, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी का ये जीते जागते उदाहरण को। और प्रभुपाद जी और उदाहरण देते हैं, अतः श्रीमद् भागवत या भगवद गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्रों को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि वाणी नहीं समझनी चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की जो ध्वनि है, श्रीमद् भगवद गीता की जो ध्वनि है, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी, अपौरुषेय, और इसीलिए भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वही क्योंकि हम भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को हम जब पढ़ते हैं तो भगवान को हम उसको सब ध्वनि है और उस ध्वनि के रूप में हम जो है भगवान को देख सकते, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का यहाँ पे उदाहरण बताया। और विधि क्या है? तपस्या। तपस्या से हम कर सकते हैं। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि की उपयुक्त स्तोत्र से प्राप्त करने करके उसे सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें क्या मनुष्य के लिए ये शिक्षण, तो बिना हिचक उनको स्वीकार करना चाहिए, उसको सत्य मानकर, क्योंकि ये ध्वनि है और ध्वनि से हम जो है भगवान को देख सकते हैं और ये सत्यवाणी है, अमल है, पूर्ण है, दिव्य है। और जब इस दिव्य वाणी के संपर्क में आते हैं तो हम दिव्य बन जाते हैं, हम शुद्ध बन जाते हैं, हमारा हृदय जो है पूरी तरह से जो अभद्र से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि इस दिव्य ध्वनि को सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए आदेश है, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तप तप सुनकर उसके
अनुसार उनको आदेश का उन्होंने पालन किया, तो हमें भी इस श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में जो हमें आदेश दिए जा रहे हैं बिना हिचक के हमें पालन करना चाहिए। सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्तोत्र से ध्वनि ग्रहण की जाए। कि आज हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संसारी कृत्रिम ध्वनि जो है वे उपलब्ध है, लेकिन उनमें शक्ति नहीं है। डायरेक्ट साक्षात श्रीमद् भागवतम, भागवतम को पढ़ना है, भागवतम को सुनना है, जो प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाए, उसके विषय में हम जान चुके हैं गुरु परंपरा के द्वारा। बिना कोई बदलाव यहां पे आदेश दिया जा रहा है प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र गुरु पर। दूसरा, अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त तथा कथित दिव्य ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती है। इसीलिए किसी कोई भी और किसी से सुनना नहीं चाहिए, शक्ति उसमें से शक्ति नहीं है। और आज तो बहुत किसी को भी मौका मिल गया बोलने के लिए शुरू कर दिया, और उससे कोई हृदय में परिवर्तन और कोई शक्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए यहां पे आदेश दिया जाए कि विवेक से अगर हमारा भाग्य हो तो हम जो है गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे प्रामाणिक गुरु द्वारा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी उदाहरण आदि गुरु, अपने जीवन का उदाहरण आदि गुरु ब्रह्मा जी और हमारे परमाचार्य जगत गुरु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की मुखारविंद से जो ये हम तात्पर्य सुन रहे हैं, उस तात्पर्य तो देखिए कितनी शक्ति है इस प्रामाणिक श्रीमद् भागवतम जो हम लोगों के पास प्राप्त है। हमें समय नहीं नष्ट करना है यहाँ वहां की किताबें, यहाँ वहां ये गुरु वो गुरु ये संत ये, यहाँ पे प्रमाण है। नंबर वन ये है व्यास देव, व्यास देव से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से यहाँ पे श्री प्रभुपाद, कंप्लीट प्योर मैसेज प्योर नॉलेज हमें मिल रहा है। ये तो हमारा, हम सब जो ये हमारा भाग्य है और अति भाग्यशाली है कि भगवान की कृपा से हम ऐसे दिव्य प्रामाणिक ध्वनि के संपर्क में आए। जो ब्रह्मा जी ने किया वो हमें करें,
उन्होंने क्या किया, अपने मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ता पूर्वक पूरी तरह से इसमें श्रद्धा रख जो उन्होंने किया, तो ये हमारे लिए उदाहरण। विवेक और हमारा भाग्य से गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सकेगी, और उसका परिणाम क्या है, तो समझिए कि उस जिसने ऐसे प्रमाणिक गुरु से ध्वनि प्राप्त किया है, जिसका भाग्य है कि ऐसे ध्वनि को किसी ने प्राप्त किया है, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता। तो जब हम इस प्रकार से हमारे भाग्य से हमारा जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, बैठे बैठे ध्वनि सुनते सुनते हम उस मार्ग, और ये मार्ग ऐसा है कि हम बैठ के चलते, चल के नहीं चलते, कोई थकान नहीं, ना चलना चलना चलना, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, थक जाते। यहाँ बैठे बैठे हम चल रहे मार्ग के, और माध्यम क्या है, हमारे कान, कान देख रहा है, देखते हैं किससे, हमारे कानों से देख रहा है। साधु को हमें कानों से देखना है, आउटवर्ड अपीयरेंस बाहरी दिखावा से नहीं, कानों से देख, शास्त्रों को कानों से देख, ये विधि। और जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसको कहते जैसे यहाँ पे बताया गया है, सही दृष्टि, सही। नहीं तो नेत्र होने पर भी हम अंधे, दृष्टि नहीं। तो इसीलिए यहां पे बताया गया कि भाग्य और ये मुक्ति का मार्ग जो खुल जाए, ये है गुरु। अभी शिष्य को क्या करना चाहिए, शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उद्गत रहना चाहिए, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था। शक्ति है, गुरु प्रामाणिक है, मार्ग हमें ले जाता है, लेकिन हमें अगर उसका लाभ उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए, आदेश के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो नो यूज। सब कुछ होते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे
या वहीं के वहीं रह जाओ। तो ये शिष्य का भी कर्तव्य, आदेश का पालन बहुत जरूरी। गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन, शास्त्र में जो आदेश बताए गए उसका पालन हमें, एप्लीकेशन। तो ये पहला तो मुक्ति का द्वार है, दूसरा है ये कि हमें क्या करना है, आदेश। आगे क्या है, हमें क्या करना है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के आदेश मन माने, प्रमाणिक गुरु का आदेश माने और प्रमाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करने की सफलता प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि हम प्रमाणिक गुरु के आदेश मानना चाहिए, मन के अंदर हमें उनको बिठाना चाहिए। उदाहरण है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री श्री प्रभुपाद जी ने, वे अपने गुरु से ज्यादा मिले नहीं, लेकिन जो आदेश उन्होंने क्या आदेश दिया कि आप जो है पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी अच्छा जानते हैं, तो आप जो है भगवान का ये जो दिव्य ज्ञान है पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में का प्रचार, पाश्चात्य देश का और प्रभुपाद जी ने बस एक ही बात, उन्होंने उनको अपने हृदय में पकड़ के सत्तर साल के आगे पकड़ के रखा और उन्होंने उसके देश का पालन करके उन्होंने जो है सफलता पाई है कि उनके ही ये सफलता के कारण हम यहाँ बैठे, क्योंकि उन्होंने वो ध्वनि जो है यथारूप अपने गुरु के आदेश की शक्ति और अपनी भक्ति की शक्ति से उन्होंने पूरा पूरे विश्व भर ये ज्ञान को पहुंचाया जो आज हम तक पहुंच रहा है। तो आदेश को मानना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इसका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित इसीलिए करते हैं ताकि भगवान के आदेशों का पालन कर सके। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। यही है इंद्रियों को क्या करना है, हमें इंद्रियों को
भगवान की सेवा में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये जो श्री नारद मुनि ने भक्ति के सूत्र और पंचरात्रिक विधि बताए कि भक्ति मतलब क्या, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा। इसका भक्ति उच्यते, इसको कहते उच्यते भक्ति, इसको भक्ति कहते। तो श्रवण से हम पवित्र हो जाते हैं, और जब हम पवित्र हो जाते हैं तब हम हमारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां जो है नियमित रूप से उनको हम वश में कर सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब हम इस प्रकार से, जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को गोविंद नाम से उन्होंने उनको संबोधित, ये गोविंद, गोविंद मतलब जो गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गाय, जो कव्वे और इंद्रियों को आनंद देने वाले, इसीलिए उनका नाम गोविंद है। सभी लॉर्ड कृष्णा इज गोविंद बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर, सभी आनंद के स्रोत किसके लिए, इंद्रियां। तो जब हम भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान ऋषिकेश है इंद्री, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, और गोविंद है क्योंकि गोविंद मतलब इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करने वाले, गोविंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो हम जब अपनी इंद्रियों में, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो हमारा इतना सारा भोग विलास करने की इच्छा होती है, और सोचते हैं कि अरे कैसे छोड़े, कैसे हम करें अपनी इंद्रियों को, बहुत कष्ट नहीं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को इस भौतिक इंद्र तृप्तियों से निकाल कर भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम, हम जब अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश के सेवा में भगवान की सेवा में लगाते हैं तब हमें परम आनंद, इसके लिए गोविंद
हमें वो प्रदान कर सके। भौतिक दृष्टि से सब लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो जरूरत है, इच्छाएं है इस इंद्रिय तृप्ति की, बेसिकली वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है और भगवान अपना जो है ऑर्डर ऑर्डर सप्लाई, जैसे कि हम ऑर्डर देते हैं हमको ये चाहिए चाहिए, तो वो जो है ये हर भावना है। लेकिन भक्ति क्या है, इतना सुनो, बैठे बैठे चल रहे, करते करते आनंद ले रहे, चाहे भगवान का के मंदिर का मार्जनन क्यों ना, उतना कठिन कार्य, सब कठिन कार्य भी आनंदमय हो जाता जब अपने मन और अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा, कोई कष्ट आनंद। देखते कितने सारे भक्त है, कितना सेवा करते हैं भगवान, क्या इतना ये इतना सब सेवा कर रहे हैं, भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं, भगवान का ये भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए इतना सब कर रहा है, तो जिनकी दृष्टि नहीं है वो सोचते हैं ये कितना कठिन काम है। लेकिन ये कठिन दिखता है, कठिन इतना परिश्रम करके पुस्तक वितरण ताप में ठंडी में भगवान की सेवा के लिए भागते हैं, भगवान को भोग लगाना है, ठंडी हो बारिश हो तो उनके लिए फल लाना है, उनके लिए सब्जियां लानी है, सब ऐसे प्रकार से। अगर हमें हम अगर हमारी इंद्रियों के लिए हम सोचते हैं अरे आज तो बारिश है, परिवार को कुछ चाहिए, चलो ना ऑर्डर आउट करो, ऑर्डर आउट करो, कौन जाएगा मार्केट, तो इसके लिए हमारा ऐसा भाव कि हम सोचते क्या इतना बैठो ऑर्डर आउट करो या छोड़ो, चलो ना दूध पी लो आज की। लेकिन भक्त के लिए नहीं, भक्त अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में सब कुछ काय कितना भी कष्ट, आम लोग सोचेंगे ये तो सब मूर्ख लोग हैं, लेकिन आनंद है ना, जो आनंद है। घर में भगवान केंद्र बिंदु बने हैं तो कोई भी कार्य घर का कष्ट, चाहे वो फर्श को साफ करना है, कपड़े धोने हैं, या घर की सफाई करनी है, या भोजन बनाना है, या मार्केट जाना है, सब जो है आनंदमय हो जाए। जॉब पे जाना है सुबह उठ के, भगवान जो भी हमें मिल रहा है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम आनंद की अनुभूति, ये ही है असली आनंद। नहीं तो कितना कितना क्यों क्या क्या नहीं करते हैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा कमी रह जाता है और फिर संतुष्टि भी नहीं। तो जब हमारी इच्छा भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए हम करते हैं तो हम जो है भी हमारी इंद्रियां जो है वो संतुष्ट हो जाती है। पर अगर हम अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाने के लिए लगाते हैं तो हम हमेशा के लिए असंतुष्ट रहेंगे, और यही कारण है कि दुनिया में सब कुछ होने के बाद भी लोग असंतुष्ट है, क्योंकि
वे ये सीक्रेट नहीं जानते हैं, ये रहस्य नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और जब हम इसमें लगाते हैं तो किस प्रकार से वो जो आनंद प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। बिना मांगे भगवान सब कुछ हमारे लिए कर लेते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो पर नहीं होगा, तो ऐसे अगर हम भागते रहेंगे कुछ हाथ में नहीं आना। तो इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना और कुछ नहीं। भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से शिष्य परंपरा में अवतरित होती है, तथा पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड की सृष्टा हो गए। भगवान की सेवा, भगवान के श्रद्धा और निष्ठा से सब कुछ प्राप्त कर सकते। हमारा एक ही फॉर्म्यूला होना चाहिए, वो फॉर्म्यूला है साम सिद्धिर हरि तोषणम। हमें सब जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर, और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई कठिनाई से। पर दो चीजें जरूरी है उसको प्राप्त कर सकते, ऐसे विषय वाशी नहीं, श्रद्धा और निष्ठा। अगर ये श्रद्धा और निष्ठा है तो हम ब्रह्मांड के सृष्टा भी बन सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी। और उन्होंने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की, पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने शक्ति कैसे प्राप्त की, ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, उन्हें तपस्या से प्राप्त। तपस्या से शक्ति प्राप्त हो सकती है, हमारा तपस्या यही है कि हम रोज भागवतम सुने, हम भगवद गीता सुने, हरि नाम करें, नियमों का पालन करें, और इतना सारा आनंद से हो सकता है। और सबसे उत्तम और सबसे सुंदर और मधुर चीज यही है भक्तों का संग। इतना सहायता ये भक्तों का संग में रहने से ये सब आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम सब जो है संग की खोज में। तो ये जो तपस्या भी अकेले एक पैर पे हिमालय में जाकर करने की कोई जरूरत नहीं, ये तपस्या इतने सारे लोगों के साथ में बैठकर
भी हो सकता है और बैठे बैठे हम मुक्त हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं और भगवान धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी